91.2 अनाइविया छेलोदून को ट्यून किया है आपने। मैं हूँ हेमा, नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से। इस कार्यक्रम में हमने कई पौराणिक कथाओं द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि यदि कोई शख्स अपने किसी अंग से विहीन हो जाता है तो भी वो सब कुछ कर सकता है जो एक सब अंगों से समर्थ व्यक्ति करता है, क्योंकि जितनी भी महान शख्सियतें हुई हैं उन्होंने अपनी उस कमी पे विजय पाकर एक मिसाल कायम की है, इसीलिए वे असाधारण कहलाए। साधारण से असाधारण बनने के लिए पूरी तरह से समर्थ होना आवश्यक नहीं, बस जरूरत है मन का समर्थ होना, यानी अपनी भीतरी शक्ति को पहचानना। तो ऐसी ही एक और शख्सियत के बारे में जानने के लिए हमने आमंत्रित किया है निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी। तो चलिए जानते हैं कि आज वो किस महान शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं, पर उससे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी तक आपने जितनी भी महान शख्सियतों के बारे में बताया वो सब समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहे हैं, यानी कि वो हमारी नजर में हीरो रहे हैं। पर कोई तो ऐसा होगा जिसने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करके खलनायक का काम किया होगा, जिसे हम आज भी खलनायक के तौर पर ही याद करते रहे हैं। क्योंकि कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती हैं, भले ही वो खलनायक के तौर पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं पर याद तो हम उन्हें भी करते ही हैं, भले ही अच्छे मन से ना किया जाए। तो कोई हो तो बताइएगा सर। जरूर, हमारे देश के नाम से जो सबसे बड़ी युद्ध हुई महाभारत जी, उस महाभारत युद्ध के होने में जिनका हाथ था शकुनी जी, वो भी अस्थिबाधित दिव्यांग थे जी, और उनकी कहानी भी रोचक है। समय के विस्तार में अगर हम देखें तो, या अगर हम किसी एक दूसरे के दृष्टिकोण से देखें तो ज़रूरी नहीं कि जो काम उन्होंने किया वो गलत हो। तो कहानी कुछ ऐसी बोलती है कि गांधार नरेश हुए सुबाला जी, जिनकी पुत्री हुई गांधारी जी, और पुत्र हुए शकुनी। तो एक कहानी ये बोलता है कि हमारे कौरव पितामह भीष्म के साथ अपने राज्य का विस्तार करने के लिए गांधार, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से का वो राज्य था, उसे जीतने के लिए उन्होंने बंदी बना रखा था राजा सुबाला और उनके बेटे बेटियों को और परिजनों को, बेटियों को तो नहीं, परिजनों को, और यात्राएं दी। दूसरी कहानी ये बोलती है कि पितामह भीष्म, जो कि अपने राज्य के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते थे, उनकी तलाश थी एक योग्य महारानी की जो कि राज्य को संभाल सके, और उस समय की सबसे योग्य महिलाओं में से थी माँ गांधारी। तो प्रस्ताव लेके गए उनके पास कि गांधार नरेश के पास, राजा सुबाला के पास, कि चलो भाई गांधारी से ब्याह कर दिया जाए। मन नहीं माना होगा राजा सुबाला का, ना ही शकुनी का, क्योंकि जानते थे कि धृतराष्ट्र इस तरफ हैं। फिर भी इतना शक्तिशाली राज्य पूरे भारतवर्ष के ऊपर जिसका आधिपत्य था, मना नहीं कर पाए, और माँ गांधारी को उन्होंने ये बात कही। गांधारी खुशी खुशी मान गई, ठीक है अगर मेरे भाग्य में, अगर मेरे लिए धृतराष्ट्र जैसा पति हो तो मुझे मंजूर है, पर अगर मेरा पति देख नहीं पाता तो मैं भी वैसा जीवन यापन करूंगी, ये कह के उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जैसे एक बात तो ये समझ में आती है कि हाँ, अंगों के बाहर भी कोई दिव्यता है, इसलिए उस दिव्यता के लिए, उस पतिव्रता के लिए, या उसकी आंखें जरूरी नहीं हो गई थी, जरूरी था कि वो अपने स्वामी के साथ, अपने पति के साथ जीवन यापन करें बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो जीवन यापन कर रहे थे। तो कहानी आगे ऐसे बढ़ती है कि ससुराल सारे के सारे आए माँ गांधारी से ब्याह करने के लिए, हस्तिनापुर यानी कि वही दिल्ली के आसपास समझ लीजिए, कहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान से यहाँ आए होंगे, और ब्याह हुआ धूमधाम से। उस समय के रिवाज के हिसाब से आप बहू के घर वालों को जब तक भोजन दे रहे हैं तब तक वो वहीं रुकेंगे जी, और जब उन्हें ऐसा लगे कि नहीं उनके आतिथ्य में कुछ कमी हो रही है तो वो बोलेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे।
तो शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए राजा सुबाला, उनके बेटे जिनमें कि 100 पुत्र थे उनके ऐसे बोला जाता है, और साथ में शकुनी, ये सारे के सारे ठहर गए। पितामह भीष्म ने ये परख लिया कि ये नाराज हैं, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए भोजन की मात्रा कम करते रहे, ताकि वो ये बोल के निकल जाएं कि हाँ भाई अब हम यहाँ से जाते हैं, हमारा आतिथ्य सही नहीं हो रहा। लेकिन वो भी शिष्टाचार में मग्न थे, भाई ससुराल में क्यों नाम खराब करना, तो इसलिए वो चुपचाप सहते गए। और कथा ये कहती है कि धीरे धीरे भोजन की मात्रा कम होती गई, लोगों को ये पता चल गया कि शायद इसमें कुछ चाल छुपा रखी है इन लोगों ने, क्योंकि इस भोजन की मात्रा में तो लोग बचेंगे नहीं, 100 पुत्र इतने। तो धीरे धीरे लोग मरने लगे जी। और शकुनी के पिता, उनके चाचा, इन लोगों ने तय किया कि जिस तरह से इस कुरुवंश ने हमारा अपमान किया है, इसका बदला तो लेना चाहिए। और चूंकि सबों में शकुनी सबसे बुद्धिमान था, इसलिए सब ने यह तय किया कि जब तक भोजन मिल पा रहा है तब तक तो हम बांट के खा लेंगे, लेकिन जैसे ये कम करते जा रहे हैं हम अपना भोजन इकट्ठा करेंगे और सिर्फ शकुनी को देंगे जी। तो सबने अपना अपना भोजन इकट्ठा किया और शकुनी को दिया, और धीरे धीरे वो अपने शरीर को त्याग करते चले गए एक के बाद एक। शकुनी बचा रहा, उसे हर मरने वाला याद दिलाते रहता है कि याद रखना बदला तुम्हें लेना है जी। होते होते सारे गुजर गए, आखिरी उनके पिता थे, उनके पिता सुबाला काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, और आखिरी दिन होने वाला था। शकुनी पास बैठा हुआ था, जैसे ही वो पीछे मुड़ा सुबाला ने जोर की एक लात मारी और उनका एक पैर तोड़ा, और ये बोला कि ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अपने तब उनका पैर टूटा था, और उन्होंने कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डियों से तुम पासे बना लेना, ये पासे तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। तो उनकी रीढ़ की हड्डियाँ से शकुनी ने पासे बनाए थे, और साथ ही साथ अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पहले तो भरोसा जीता, और धीरे धीरे फिर कुरुवंश के नाश होने में मामा शकुनी का बहुत बड़ा हाथ रहा था। तो अगर शकुनी मामा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया जी। और अगर इधर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत ही गलत हो गया। हर कार्य के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू होते हैं। वैसे माँ गांधारी भी रही, दृष्टि दिव्यांग तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों को कुर्बान किया ताकि वो अपने पति के साथ बिल्कुल उसी स्थिति में रह सकें जैसे कि उनके पति थे जी। सर, आपने शकुनी मामा की कहानी बहुत ही रोचक तरीके से बताई, और मगर गांधारी की कहानी मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगी, तो मैं चाहूंगी कि हाँ ये हम दूसरे एपिसोड में करें। जरूर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शकुनी मामा की कहानी, सुना रहे थे निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।